मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मैं सर संत मेरी पब्लिक स्कूल मनार वैशाली। टुडे आई विल स्टार्ट कंप्यूटर फॉर क्लास ए। न्यू टॉपिक इज एडिटिंग टूल्स, है ना। अंडर एडिटिंग टूल्स सेव फोटोज, ड्रॉ टूल्स, रिसाइज एंड फिल्टर्स, है ना। ये सभी टॉपिक्स को और 3D के ये सभी टॉपिक्स को जानना है, ठीक है। तो जैसा कि हम इसे पढ़ रहे थे, वीडियो एडिटिंग में क्या है कि सेव फोटो टूल्स, यानी आपका अगर वीडियो में कोई ऐसा वीडियो है जो फोटो ले लेना है, मतलब लगेगा कि इसको फोटो में भी होना चाहिए, तो इसको भी आप मतलब कि वीडियो से कटअप करके उसको आप अपना कॉपी करके उसको आप फोटो के रूप में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या कर इसके लिए क्या करना पड़ेगा। द सेव फोटो टूल्स लेट्स यू पिक द फ्रेम ऑफ द वीडियो एंड सेव इट फोटो, फोटो के रूप में सेव कर सकते हैं। व्हेन यू सेलेक्ट सेव फोटो फ्रॉम एडिट एंड क्रिएट ड्रॉप डाउन बॉक्स, जब एडिट एंड क्रिएट ड्रॉप डाउन बॉक्स से हम फोटो सेव करते हैं, सेव फोटो को, तो एक न्यू डायलॉग बॉक्स आ जाएगा प्रीव्यू के साथ, जिसमें प्रीवियस और नेक्स्ट फ्रेम बटन दोनों होगा, है ना। और उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड भी करके जो भी उसमें से हमको फोटो है उसको मतलब माउस पॉइंटर ले जाकर उस पर क्या कर सकते हैं, तो उसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीका से हम लोग फोटो सेव करेंगे। अब है ड्रॉ टूल्स। ड्रॉ टूल्स में क्या करना होगा कि अगर कोई आपका वीडियो है ना, तो उसमें आपको अपना कैलियोग्राफी भी कर सकते हैं, करें मतलब इसमें आप अपना कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, किसी वीडियो के बारे में कुछ लिख भी सकते हैं, है ना, ड्रॉ भी कर सकते हैं उसमें। इसमें बॉल पेन और इरेजर टूल्स, बहुत सारा ऐसा टूल्स होता है ना, जैसे मौजूद होता है पेंसिल होता है, पेन इरेजर होता है ना। ये सभी जो है आपको क्या करेगा कि आपके वीडियो पर जो है ड्रॉ करने में, कोई भी चीज़ को ड्रॉ करने में मदद करेगा, है ना। तो इसके लिए यू कैन मेक चेंज एंड सेव बाय क्लिकिंग सेव ए कॉपी बटन, और सब करने के बाद सेव करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं, है ना। रिसाइज टूल्स, रिसाइज टूल्स में क्या होता है कि आप अपने वीडियो का साइज को क्या कर सकते हैं, इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। आपके वीडियो का साइज अगर ज़्यादा बड़ा है तो उसको भी आप सीमित में कर सकते हैं, है ना। इस टूल्स में आपको रिसाइज कर सकते हैं। फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर में आपको वीडियो को इसे आप वीडियो का क्या कर सकते हैं कि क्वालिटी प्रदान कर सकते हैं, ठीक है, यानी इसमें वीडियो को क्वालिटी प्रदान कर, हाँ, लेकिन ये पूरे वीडियो के लिए नहीं, जो आप वीडियो को सेलेक्ट कीजिएगा उसके लिए ही कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप्स होते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि फिल्टर में जाना पड़ेगा। फिल्टर में जाने के बाद है स्टोरी बोर्ड ऑप्शन होता है ना, स्टोरी बोर्ड पेन में जो होता है ऑप्शन होता है फिल्टर, उसमें जाना होगा। तो उसमें जैसे ही जाएंगे एक नया विंडोज खुलेगा प्रीव्यू वीडियोज के साथ या फोटो के साथ, है ना, और तो वहीं पर हमको फिल्टर कैन बी सीन, उसे फिल्टर दिखाई देगा आपके विंडोज में राइट साइड में दिखाई देगा, ठीक है। और फिर आप उसमें से जो भी फिल्टर करना है उसको ले लीजिए, फिल्टर कर लीजिए और चेंज कर लीजिए, है ना। 3D इफेक्ट जो है ये जो है आपको वीडियो को काफ़ी इफेक्टिव बनाता है। 3D इफेक्ट जो है आपके इसमें नहीं दिए हैं, 3D इफेक्ट जो है आपके वीडियो को क्या करता है, काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है ना, और मतलब कि आपके वीडियो में मतलब काफ़ी अच्छा लाइटिंग रहता है और लगता है कि वीडियो क्वालिटी अच्छा है ऐसा। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि सेलेक्ट फोटो या वीडियो को सेलेक्ट करना पड़ेगा उसी में जाके, है ना, एडिटिंग में, वीडियो एडिटिंग में, और वहाँ पे जाकर 3D इफेक्ट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, तो स्टोरी बोर्ड पेन में ऑप्शन में होगा, है ना। तो एक नया विंडोज खुल के आएगा, साथ में उसमें प्रीव्यू रहेगा, है ना, जो आप वीडियो को सेलेक्ट किए हैं, और बहुत सारे इफेक्ट उसमें रहता है, उस इफेक्ट को आप जो इफेक्ट्स जो पसंद है उसको आप चूज कर लीजिए। यू कैन एडजस्ट द ड्यूरेशन ऑफ 3D इफेक्ट्स, है ना, बाय ड्रैगिंग हैंडल, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं 3D इफेक्ट्स को, है ना।
और ये कहीं प्रीव्यू द इफेक्ट्स प्लेइंग, इफेक्ट्स प्लेइंग को आप क्या कर सकते हैं कि देख भी सकते हैं, है ना। और उसके बाद क्लिक ऑन डन, है ना, डन पर हम क्लिक कर देंगे तो हम लोग का 3D इफेक्ट्स जो है कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट है एडिंग थीम्स, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, तब तक के लिए इतना है। थैंक यू।